नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महदलक्ष्मीनाथ दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे PLSQL के अंतर्गत कर्सर का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कर्सर का उपयोग किस लिए किया जाता है PLSQL में, और कर्सर होता क्या है। तो सबसे पहले कर्सर होता क्या है ये जानने से पहले हम PLSQL स्टेटमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं कि PLSQL को जब हम एक्सिक्यूट करते हैं तो उसमें से कौन सा एरिया हमें प्रोवाइड कराया जाता है जहां पर हम कर्सर डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कैसे होता है। टू एग्जीक्यूट PLSQL स्टेटमेंट, जब हम PLSQL स्टेटमेंट को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, ए वर्क एरिया इज यूज बाय द ओरेकल इंजन। ओरेकल इंजन के द्वारा एक वर्क एरिया यूज किया जाता है। जब भी हम PLSQL की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, ओरेकल इंजन के द्वारा एक वर्क एरिया उपयोग में लाया जाता है, जो कि इंटरनल प्रोसेसिंग तथा स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन का काम करता है। यानी कि जब भी हम PLSQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, ओरेकल इंजन के द्वारा एक वर्क स्पेस या वर्क एरिया उपयोग में लाया जाता है, यूज किया जाता है, जो कि उसकी इंटरनल प्रोसेसिंग तथा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दिस वर्क एरिया इज प्राइवेट टू SQL ऑपरेशन, प्राइवेट टू SQL ऑपरेशन। ये जो वर्क एरिया होता है, इसमें हम SQL के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। द कर्सर इज द PLSQL कंस्ट्रक्ट दैट अलाउ द यूजर टू नेम द वर्क एरिया एंड एक्सेस द स्टोर इंफॉर्मेशन इन इट। कर्सर PLSQL में हमें प्रोवाइड कराता है कि जो वर्क एरिया जिसे SQL ओरेकल इंजन के द्वारा लिया उपयोग में लिया गया था, उस वर्क एरिया में हम उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तथा उसकी डेटा को, स्टोर डेटा को, इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। द कर्सर इन PLSQL कंस्ट्रक्ट दैट अलाउ टू द यूजर टू नेम द वर्क एरिया। यूजर को उस वर्क एरिया के नाम को करने के लिए, उस एरिया का नाम का यूज करने के लिए तथा उस एरिया के नाम को आपको लिखने के लिए, दैट मीन्स यू कैन क्रिएट कर्सर। उस एरिया पर हम अपना कर्सर क्रिएट कर सकते हैं। इस एरिया पर हम अपना कर्सर क्रिएट करेंगे, फिर कर्सर क्रिएट करने के पश्चात एंड एक्सेस द स्टोरेज इंफॉर्मेशन इन इट, और वहां पर जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं। कुल मिलाकर कर्सर का उपयोग क्या होता है, कर्सर क्यों बनाया जाता है। PLSQL में जो वर्क एरिया जो SQL इंजन के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, या ओरेकल इंजन जिसे कहते हैं, इसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है, उस एरिया का नामकरण करने के लिए, यानी उस एरिया में कर्सर क्रिएट करने के लिए तथा उस एरिया में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन का उपयोग करने के लिए, उसकी डेटा को एक्सेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं यूजेस ऑफ कर्सर। कर्सर की क्या यूजेस है। तो सबसे मेजर जो है, द मेजर फंक्शन ऑफ इन द कर्सर टू रिट्रीव द डेटा। सबसे मेजर फंक्शन जो होता है कर्सर का, वो होता है डेटा को रिट्रीव करना। डेटा रिट्रीव कैसे होता है, वन रो एट ए टाइम फ्रॉम ए रिजल्ट सेट। एक समय पर केवल और केवल एक रो रिजल्ट सेट से प्राप्त होता है। तो कर्सर का जो मेजर फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, डेटा को रिट्रीव करना, और एट ए टाइम वन रो, केवल और केवल वन रो ही रिजल्ट सेट में हमें प्राप्त होता है। जबकि SQL में हम देखते हैं कि एट ए टाइम हम पूरे रो को रिजल्ट सेट से प्राप्त कर सकते हैं। इन SQL कमांड विच ऑपरेट ऑन ऑल द रोज इन द रिजल्ट सेट एट वन टाइम, एक ही टाइम पर हम SQL के द्वारा रो की पूरी डेटा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहां पर केवल और केवल एक ही रो को हम प्राप्त करेंगे, और SQL में हम सारे रो को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। कर्सर इज यूज When the user need to update the record, कर्सर का उपयोग हम तब करते हैं जब यूजर रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहता है, या फिर इन रो बाय रो मैनर और इन डेटाबेस टेबल, किसी रो पर अपडेट करना चाहता है या पूरे डेटाबेस के टेबल में उसमें कुछ अपडेशन की संभावना होती है, तब की केस में हम कर्सर का उपयोग करते हैं। Now, देखते हैं कि कर्सर किस प्रकार से, अभी हमने बात किया था कि कर्सर एक समय पर केवल एक ही रो को एक्सेस करता है। तो यहां पर जैसे टेबल है, इस टेबल को हम देखते हैं कि टेबल में हमारे पास टोटल 6
जो है रो है, इस सिक्स रो में से कर्सर का जब हम यूज करेंगे तो करंट जो रो रहेगा जिस रो पर हम कर्सर का उपयोग करेंगे केवल और केवल वही रो हमारा एक्सेस होता है। अब कर्सर के एक्शंस, कर्सर कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कर्सर को डिक्लेयर करना। सबसे सर्वप्रथम हमारा काम होगा कर्सर को हम डिक्लेयर करेंगे, जो वर्क स्पेस हमें प्रोवाइड किया गया था, जिस वर्क स्पेस का उपयोग ओरेकल इंजन करता है, वहां पर सबसे पहले हम ओरेकल के उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंतर्गत हम कर्सर को डिफाइन करेंगे। ए कर्सर कैन बी डिक्लेयर बाय डिफाइनिंग द एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट रिटर्न ए रिजल्ट सेट। हम वहां पर उसे डिक्लेयर करेंगे जहां पर वो स्टेटमेंट लिखा गया जिससे हमें रिजल्ट सेट प्राप्त होगा। तो पहला जो फेस रहेगा या पहला स्टेप कर्सर का वो होता है कर्सर को डिक्लेयर करना। सेकंड होता है ओपन करना, उस कर्सर को जो को जिसको हमने अभी बनाया है उस कर्सर को हम ओपन करेंगे। ए कर्सर इज ओपन एंड पॉपुलेटेड बाय द एग्जीक्यूटिंग द एसक्यूएल स्टेटमेंट डिफाइंड बाय द कर्सर। तो अब सेकंड जो वर्क होगा वो होगा कर्सर को ओपन करना। सबसे पहले कर्सर को डिक्लेयर करेंगे, देन आफ्टर कर्सर को ओपन करेंगे, देन आफ्टर थर्ड स्टेप जो होता है वो तो होता है फेचिंग द कर्सर। जो ओपन कर्सर है उसके साथ रो को फेच करना। व्हेन द कर्सर इज ओपन, जब कर्सर ओपन हो जाता है रो कैन बी फेच फ्रॉम द कर्सर वन बाय वन। जब जैसे ही हमारा कर्सर ओपन हो जाता है वो कर्सर के साथ रो जो है फेच होता है वन बाय वन। वन बाय वन क्यों होता है, क्योंकि कर्सर एक समय में केवल और केवल एक ही रो को रिट्रीव करता है या एक्सेस करता है, इसीलिए वो वन बाय वन उसको फेच करता है और उसके डेटा को मैनिपुलेट करता है। जब कर्सर का एग्जीक्यूशन पार्ट हो जाता है फिर हम उस कर्सर को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। आफ्टर द डेटा मैनिपुलेशन क्लोज द कर्सर एक्सप्लिसिटली। अगर हम एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट होता है डिल एलोकेशन, फाइनली जो डिलीट द कर्सर डेफिनेशन एंड रिलीज द सिस्टम रिसोर्स एसोसिएटेड विद द कर्सर। लास्ट में हम कर्सर को डिलीट कर देंगे और जो कर्सर के द्वारा जो वर्क स्पेस जो यूज किया गया था उसे हम सिस्टम की रिसोर्सेज से फ्री कर सकते हैं। तो कर्सर का एक्शन किस प्रकार से होगा, पहला होगा कर्सर का वो होगा कर्सर को डिक्लेयर करना। सर्वप्रथम कर्सर को हम डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद कर्सर को ओपन करेंगे, उसके बाद कर्सर ओपन जो कर्सर है उसको रो के साथ फेच करेंगे, देन आफ्टर क्लोज, देन उसके बाद उसको रिलीज करेंगे, डिलीट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कर्सर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इम्प्लिसिट कर्सर और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कर्सर। हम लोग मुख्यतः जो यूज करते हैं, जो यूजर डिफाइन जो होता है वो होता है एक्सप्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर जो होते हैं वो सिस्टम के इंटरनली यूज होते हैं, जिसको हमें कुछ सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है और ऑटोमेटिकली वो क्लोज होता है। इफ द ओरेकल इंजन ओपन ए कर्सर फॉर इट्स इंटरनल प्रोसेस, वो अपने ओरेकल अपने इंटरनल प्रोसेस के लिए अगर कोई कर्सर को ओपन करता है, इट इज नोन एज द इम्प्लिसिट कर्सर। ओरेकल का इंजन अपने से इटसेल्फ अगर किसी कर्सर को ओपन करता है अपने इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट कर्सर। इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली फॉर द यूजर बाय ओरेकल व्हेन द क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड एंड सिंपलर टू द कोड। यहां पर जो इम्प्लिसिट होता है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और यूजर उसको यूज करता है। तो एम्प्लिसिट में हमें किसी प्रकार के और कर्सर का नाम देने की जरूरत नहीं है, कर्सर हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है एक्सप्लिसिट कर्सर। एक्सप्लिसिट जो कर्सर होता है इस कर्सर का यूज यूजर करता है, यानी यूजर कर्सर क्रिएट करता है। एक्सप्लिसिट कर्सर, ए कर्सर कैन ऑल्सो बी ओपन फॉर प्रोसेसिंग द डेटा ए PLSQL ब्लॉक ऑन डिमांड। जब PLSQL स्टेटमेंट में जिस प्रकार की डिमांड होती है उस डिमांड के अनुसार जब हम अपने से कर्सर क्रिएट करते हैं उस कर्सर को कहते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर। सच द कर्सर इज आल्सो नोन एज द यूजर डिफाइंड कर्सर। इस कर्सर को हम यूजर डिफाइंड कर्सर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक्सप्लिसिट कर्सर को हम यूजर डिफाइंड कर्सर भी कहते हैं। नाउ तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एक्सप्लिसिट हमारा जो कर्सर है वो किस प्रकार से होगा। एक्सप्लिसिट कर्सर के जो फोर स्टेप्स होंगे, पहला होगा डिक्लेयर, सबसे पहले हम कर्सर को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद होगा ओपन, कर्सर को हम ओपन करेंगे, उसके बाद होगा फेच, जहाँ पर ओपन कर्सर को फेच किया जाएगा जो रो अवेलेबल है या जिस रो के साथ हमें एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है, उसके बाद होगा क्लोजिंग, कर्सर को हम
क्लोज करेंगे। तो ये फोर बेसिक स्टेप्स होंगे एक्सप्लिसिट कर्सर का। सिंटेक्स देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे डिक्लेयर, डिक्लेयर के बाद वेरिएबल, वेरिएबल के बाद पहले डिक्लेयर, डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, रिकॉर्ड या और कर्सर को। यानी कि कर्सर हमारा कहां पर क्रिएट होगा, इन द सेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन सेक्शन, डिक्लेयर सेक्शन के अंदर कर्सर क्रिएट करेंगे। फिर बिगिनिंग के अंदर सबसे पहले कर्सर को हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कर्सर को फेच करेंगे और उसके बाद हमारा जो प्रोसेस होगा वो एग्जीक्यूटेबल जो ऑपरेशन कोड है ये लिखा जाएगा, देन आफ्टर लास्ट में हम कर्सर को क्लोज करेंगे। तो बेसिक जो स्टेप्स है, सबसे पहला कर्सर को हमने क्रिएट किया, कर्सर क्रिएट होगा कहां पर, डिक्लेयर सेक्शन में। फिर बिगिन सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम कर्सर को ओपन करेंगे, कर्सर को ओपन करने के बाद हम कर्सर को फेच करेंगे, फेच करने के बाद लास्ट में जब हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर हम कर्सर को क्लोज करेंगे। कर्सर के एट्रीब्यूट, कर्सर बोथ इम्प्लिसिट कर्सर एक्सप्लिसिट कर्सर हैज सर्टेन एट्रीब्यूट दैट कैन बी एक्सीडेड। दोनों में कर्सर का, चाहे वो इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, दोनों में कर्सर के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसका एक्सेस करता है। दिस एट्रीब्यूट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कर्सर ऑपरेशन। ये जो एट्रीब्यूट होते हैं ये कर्सर के विभिन्न प्रकार के जो ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन हमें प्रदान करती है। देखते हैं कौन कौन से होता है। सबसे पहला होता है प्रेजेंस के साथ फाउंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंड वेरी इंपॉर्टेंट है। इट रिटर्न द बुलियन रिजल्ट ट्रू, यह बुलियन रिजल्ट ट्रू देता है यदि द मोस्ट ऑफ द रिसेंट फैच ऑपरेशन फैच ए रिकॉर्ड सक्सेसफुल्ली, अदरवाइज इट विल बी रिटर्न फॉल्स। अगर हमारे द्वारा जो रिकॉर्ड फैच किया गया है वो रिकॉर्ड अगर मिल जाता है तो यह रिटर्न करता है ट्रू, और अगर हमारे द्वारा जो वैल्यू जो फैच किया गया है वो नहीं मिलता है तब वो रिटर्न करता है फॉल्स। मोस्ट ऑफ रिसेंट फैच ऑपरेशन फैच द रिकॉर्ड सक्सेसफुली, अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली फैच हो जाता है, रिकॉर्ड मिल जाता है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। सेकेंड होता है नॉट फाउंड, इज जस्ट अपोजिट टू फाउंड ऑपरेशन। ये फाउंड जो एट्रीब्यूट होता है उससे जस्ट अपोजिट होता है, यह हमें ट्रू तब देता है जब हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली फैच नहीं होता है या डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तब की कंडीशन में यह ट्रू रिटर्न करता है। दिस वर्क अपोजिटली टू द फाउंड एट्रीब्यूट, या फाउंड एट्रीब्यूट के तुलना में अपोजिट होता है। इट विल रिटर्न ट्रू इफ द मोस्ट रिसेंट फैच ऑपरेशन कुड नॉट बी एबल टू फैच एनी रिकॉर्ड, जब वो फैच होने के लिए कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता है तब की कंडीशन में ये रिटर्न देता है। फाउंड एट्रीब्यूट के द्वारा हमें ट्रू तब मिलेगा जब हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली फैच होगा और सक्सेसफुली हमें रिकॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। नॉट फाउंड में हमारा ऑपरेशन ट्रू तब होगा जब हमें मैचिंग डेटा, यानी कि ऑपरेशन हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा, रिकॉर्ड सक्सेसफुल नहीं होगा, तब वह ट्रू वैल्यू देता है। इज ओपन, अगर आपका जो कर्सर है वो ओपन है तो यह क्या रिटर्न देगा, ट्रू वैल्यू देगा, और कर्सर अगर ओपन नहीं है तो फॉल्स देगा। इट रिटर्न द बुलियन रिजल्ट ट्रू इफ द गिवन कर्सर इज ऑलरेडी ओपन, अगर ऑलरेडी ओपन है तो वह क्या देगा, ट्रू, और एल्स इट इज रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज यह फॉल्स देगा। रो काउंट, यहां पर हमारे द्वारा इस एट्रीब्यूट के द्वारा हम हमारे जितने जो ऑपरेशन के अंतर्गत जितने सारे भी रो थे जिस डेटा से हमने फैच किया उसमें नंबर ऑफ रोज कितने थे ये रिटर्न करता है। इट रिटर्न ए न्यूमेरिक वैल्यू, यह एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। इट गिव द एक्चुअल काउंट ऑफ द रिकॉर्ड दैट गॉट द अफेक्टेड बाय द डीमेल एक्टिविटीज, यानी कि यह हमें न्यूमेरिक वैल्यू देगा कि जिस डेटाबेस के साथ हमने फैच किया उस डेटाबेस में नंबर ऑफ रो कितने हैं, न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं कर्सर का, जहां पर सबसे पहले देखते हैं डिक्लेरेशन सेक्शन। डिक्लेरेशन सेक्शन में कर्सर को क्रिएट करने के लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे कर्सर। कर्सर कीवर्ड के बाद में हमने लिखा ईएमपी अंडरस्कोर डेटा, जहां पर हमारा कर्सर क्रिएट हुआ, उसके बाद इस सेलेक्ट, इसे सेलेक्ट किया गया। हियर हम सबसे पहले कर्सर डिक्लेयर करेंगे। कर्सर डिक्लेयर करने के लिए हम कर्सर कीवर्ड का उपयोग करेंगे। इस कर्सर कीवर्ड के बाद हम यूज करते हैं कर्सर का नाम, यहाँ पर हमने कर्सर का नाम दिया है ईएमपी अंडरस्कोर डेटा, ये हमारा कर्सर का नाम है। इस सेलेक्ट, ये सेलेक्ट होगा कहाँ, ये सेलेक्ट किसको करेगा, ईएमपी नेम को फ्रॉम
एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल से हम कौन से सेलेक्ट करेंगे, कॉलम हमारा कौन सा है, ईएमपी नेम। तो यहां पर हमने कर्सर का नाम क्या दिया, ईएमपी डेटा। कर्सर डिक्लेयर करने के लिए हमने लिखा कीवर्ड कर्सर, कर्सर के पश्चात ईएमपी डेटा इस सेलेक्ट ईएमपी नेम सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट क्वेरी परफॉर्म हो रहा है कौन सा, ईएमपी नेम, कहां से, ईएमपी डेटाबेस से। यहां पर हमारा वेरिएबल का नेम है एलवी अंडरस्कोर ईएमपी नेम, जो कि ईएमपी नेम से लेगा परसेंट टाइप के हिसाब से। अब यहां पर जो ये जो लिया गया है, इट इज द वेरिएबल, जो कर्सर क्रिएट हुआ है वहां से हम रो फैच करेंगे। तो रो फैच करने के लिए हमने कंडीशन क्या डाल दिया है, वो है हमारा जो वेरिएबल जो है वो कौन सा, एलएम एलवी एम्प्लॉय नेम, ईएमपी डॉट ईएमपी अंडरस्कोर नेम। एम्प्लॉय टेबल से कुछ से उठेगा वो डेटा, कहां से मिलेगा हमें, एम्प्लॉय टेबल के ईएमपी नेम कॉलम से, एम्प्लॉय टेबल की ईएमपी नेम टेबल से यह प्राप्त होगा। अब बिगिन करते हैं। बिगिन करने के बाद में बिगिनिंग स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले ओपन, सबसे पहला हमारा स्टेप, पहला स्टेप क्या था, कर्सर को डिक्लेयर करना, यहां पर हमने कर्सर डिक्लेयर किया। सेकेंड स्टेप था हमारा, वो था कर्सर को ओपन करना। कर्सर का नाम है हमारा ईएमपी अंडरस्कोर डेटा, तो यहां पर हमने कर्सर को ओपन किया। कर्सर ओपन करने के बाद हमने लूपिंग स्टेटमेंट लाया, लूप स्टेटमेंट के अंदर लूप को रखा, लूप स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया, पहले फेच। अब हमारा तीसरा स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप कर्सर को क्रिएट करना, सेकंड स्टेप कर्सर को ओपन करना, थर्ड स्टेप था कर्सर को फेच करना। तो फेच कर्सर का नेम इनटू, अब वहां से इनटू किसको ले रहे हैं भाई, हम एलवी ईएमपी नेम। ये जो हमने जो हमारे पास जो वैल्यू जो रो से हमें जो प्राप्त होगा उसके लिए हमने जो वेरिएबल लिया था ये वो प्राप्त होगा। इफ ईएमपी अंडरस्कोर डेटा, ये हमारा कर्सर नेम है, नॉट फाउंड, अगर मान लो जाए कर्सर नहीं मिला, इफ कर्सर इज नॉट फाउंड देन एग्जिट, अगर कर्सर नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा और आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इफ कंडीशन भी टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज हमें कौन सा मिलेगा, डीबीएमएस आउटपुट, जो पुट लाइन है जो हमारा आउटपुट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर हमें एम्प्लॉय फेच होगा। एम्प्लॉय फेच होने के बाद ये जो एरिया है एलएम एलवी ईएमपी नेम ये हमें प्राप्त होगा। अब इसके बाद लूप एंड होगा, लूप एंड होने के बाद हम रो काउंट फंक्शन का उपयोग एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ रो फेच, जो कितने रो फेच हुआ उस रो को हम फेच कर जो हुआ है उसकी टोटल नंबर ऑफ रो कितने थे वो हम काउंट करने की कोशिश करेंगे। तो काउंट करने के लिए हम कौन से फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं, रो काउंट, और उसके पश्चात सबसे लास्ट स्टेप हमारा क्या हुआ, कर्सर को क्लोज किए। तो यहाँ पर हमारी जो बेसिक जो फोर स्टेप था कर्सर का वो फॉलो हुआ। सबसे पहले कर्सर क्रिएट हुआ, कर्सर क्रिएट हुआ, कर्सर का नाम क्या है, ईएमपी डेटा। उसके बाद कर्सर को ओपन किए, कर्सर का ओपन करने उसके बाद हमने कर्सर को क्या किया, फेच किया। फेच करने के बाद यहाँ पर कर्सर के एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखा गया और लास्ट में क्या लिखा गया, सबसे लास्ट में इसको क्लोज किया गया। तो यहाँ पर हमने दो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट परफॉर्म किया आउटपुट के अंदर। पहला था कि जितनी सारी एम्प्लॉय डेटा जो एलएम अंडरस्कोर ईएमपी अंडरस्कोर नेम के अंदर जो फेच होंगे वो प्राप्त होगा, और दूसरा जो प्राप्त होगा वो है कितने रो थे वो प्राप्त होंगे। तो हमें आउटपुट जो मिला वह था एम्प्लॉय जो फैच हुए, तीन एम्प्लॉय फैच हुए, जैसे प्रेम, मनोज और विवेक, ये तीन एम्प्लॉय फैच हुए। और उसके बाद सेकंड आउटपुट क्या मिला हमें, टोटल नंबर ऑफ रो जो हमें प्राप्त हुए। तो टोटल नंबर ऑफ रो कितने प्राप्त हुए हमें, 3, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3 थे। तो ओवरऑल आज के टॉपिक में हमने देखा कि कर्सर क्या है, फिर कर्सर का क्या क्या यूज होता है, कर्सर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, और कर्सर को डिक्लेरेशन की जो स्टेप्स होते हैं जिसमें सबसे पहले कर्सर को डिक्लेयर करना, फिर कर्सर को ओपन करना, फिर उसको फेच करना, फिर उसको क्लोज करना, उसका सिंटैक्स, देन आफ्टर उसका एक प्रोग्राम। थैंक यू।